नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीतीश सरकार के कानून मंत्री को देना होगा इस्तीफा। एक का तो पत्ता कट गया, क्या दूसरे कानून मंत्री भी जाएंगे बदल? ये सवाल उठ रहे हैं कार्तिकेय सिंह के बाद नीतीश सरकार में बनाए गए नए कानून मंत्री शमीम अहमद को लेकर के, जो नीतीश सरकार में कार्तिकेय सिंह के बाद दूसरे कानून मंत्री बनाए गए थे और अब उनकी विधायकी जाने की जो चर्चा है वो भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शमीम अहमद के खिलाफ जेडीयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी, जिसको लेकर के नीतीश सरकार में कानून मंत्री शमीम अहमद की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब सीधा खतरा उनकी विधायकी पे है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको वो बताएंगे, वो समझिए। दरअसल ये मामला जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया के आरजेडी प्रत्याशी शमीम अहमद ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा था। उन पर गलत सूचना देकर के चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का यह आरोप लगा है। उसके बाद से उनकी विधायकी भी अब खतरे में बताई जा रही है। आपको बता दें कि शमीम अहमद के खिलाफ ये पिटीशन किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के नेता श्याम बिहारी प्रसाद ने दायर की थी, इलेक्शन पिटीशन दायर की थी, वही जेडीयू नेता जिसके साथ आरजेडी इस वक्त गठबंधन में है। लेकिन तब जब ये पिटीशन दायर की गई थी तब नहीं थे, और जब सरकार में है तो वर्तमान कानून मंत्री की ओर से यानी कि शमीम अहमद की ओर से इलेक्शन पिटीशन को खारिज करने की मांग अदालत से की गई, लेकिन अदालत ने मंत्री शमीम अहमद की मांग को अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिससे कि मंत्री जी को एक बड़ा झटका भी लगा है। नरकटिया विधानसभा से निर्वाचित आरजेडी विधायक मोहम्मद शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद ने अदालत में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने भी निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद शमीम को हाईकोर्ट ने नोटिस भी भेजा था। जेडीयू प्रत्याशी की ओर से इस मामले में पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता SD संजय ने अदालत में दलील पेश की थी, जिसके बाद से हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके आरजेडी विधायक मोहम्मद शमीम अहमद, जो कि अभी फिलहाल कानून मंत्री है, उनसे 19 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। इस मामले में मंत्री शमीम अहमद से जवाब दाखिल करने को कहा गया तो उन्होंने श्याम बिहारी प्रसाद द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की। इस मामले में अदालत ने सितंबर 2022 में ही सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में सुनवाई 18 मई को होगी, जिसमें निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गवाहों की गवाही होगी। और अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने गलत जानकारी देकर के चुनाव लड़ा या फिर चुनाव जीता है, तो मंत्री के पद के साथ साथ उनके विधायकी भी जा सकती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।